इधर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एक आलू जो है सैंपल भी दिखाया जा रहा है जिसकी यहाँ बिक्री हो रही है, और ये आलू जो है सफ़ेद है। लोग देख रहे हो अभी ये वीडियो टेलीग्राम के चांद सीतालय का है, जहाँ पर आलू की बिक्री आप लोग लाइव देख रहे हो। थोड़ी आपको हम क्वालिटी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आलू का जो कलर वगैरह है सब अच्छा है, साफ है, लेकिन इसमें जो है आपको ये चेचक दिखाई दे रही होगी, देखो ये चेचक। अब तो लिए हुआ है पूरे ब्राको, बात खत्म करो, पैसे ना करो, ज्यादा बात खत्म करो, हटा 30 रुपया लगे, ज्यादा बात ना करो। नहीं नहीं, ये देखो एकदम 680 में लगेगा, ज्यादा बात नहीं बना की पूरे में रखो। और किसान भाई ने कितने कह दिया, 700 का? हां बचत, हां मतलब बचत चाहिए आपको 700। अच्छा व्यापारी भैया इनका हाँ करा या नहीं अभी? हाँ ही है, अच्छा हाँ ही है, 30 रुपए के तो हाँ ही है, मतलब इसको 700 में बता दे भैया बिक गया दादा। अरे 700 बेचारे, 700 पक्को समझो बता रहे, 700 रुपए प्रति पैकेट। व्यापारी भाई सस्ते में खरीदे गए हैं, ये सिर्फ आप लोगों की ना जागरूकता के मतलब सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग जागरूक नहीं हो, इस वजह से आप लोग इतना सस्ता आलू की बिक्री करे दे रहे हो। इसी में मेरा एक सवाल है आपसे, अभी आलू थोड़ा महंगा था, एकदम डाउन क्यों हो गया इतनी जल्दी? अब आमदनी ज़्यादा बढ़ रही है, गुरु जी हिल दे, हम तो हिल रहे हैं, हिल दे। ये आलू है भैया ना, देखो आप लोग ये आलू है, और इसका बिक्री भाई अभी चांद कोल्ड स्टोरेज में 700 रुपये में हुआ है। जैसे अभी अगर भाव जो है ना बताने वाले भी लोग बताते जैसे 750-800 है, ये क्यों इतना कम है? है साहब ऐसा है, आमदनी ज़्यादा हो गई मंडियों, सब्जी ज़्यादा है, इसलिए आलू में सस्ता हो गया। अच्छा आलू सस्ता हो गया है भैया, जो बिक्री हुआ वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, यह आलू 700 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से अभी बिल्कुल आप लोगों के सामने बिक्री हुआ है चांद कोल्ड स्टोरेज में। चलिए बाद बाकी और भी आगे देखते हैं, इधर एक लाट और भी खुल रही है यहाँ पर, ये आप लोग दिखा दें आप लोगों को यहाँ पर, ये न्यू हाईलैंड है, ये देखो न्यू हाईलैंड आलू है, और इसका अब यहाँ पर बिक्री होगा आपका बनाया जाए। हाँ हाँ दादा, ये देखो न्यू हाईलैंड है, और अभी इसका बिक्री होगा आप लोगों के सामने, दिखाते हैं आप लोगों को क्या रेट बिकेगा ये न्यू हाईलैंड आलू। लगे आप लोगों को और एक जानकारी के बता दें कि अभी इसका जो है एक मतलब साइज जो है गड्ढ मतलब लग रहा है, वो महीने तो बीज आया गड्ढ। हाँ हाँ भाई, तो गड्ढ बीज ही तो ये है टोटल, ये देखो कोई दिक्कत हो ले वो कर रहे माने भैया मांग रहे सवा नौ मतलब 925 बचत 925 में मतलब अच्छा 925 रुपये मतलब व्यापारी भाई ने मांगा है, और अभी किसान ने इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है, अभी तो ये 925 रुपये का सिस्टम चल रहा है यहाँ पर अभी, लेकिन हाँ या ना में किसान भाई बताओ दद्दा कहाँ बताए रे व्यापारी ने तो कह दिया 925 में, पड़ोसी आदमी है दद्दा बता दो लगाए ले दो हम लगाए देते हैं।
चलो बिची 950 में, 950 ये हुआ ना। ये देखो 950 में बिची है और ये गड न्यू हाईलैंड है। हालांकि न्यू हाईलैंड मतलब जो सुपर होती है वो क्या रेट तक बिकती है ये व्यापारी में बता पाएंगे। भैया सुपर न्यू हाईलैंड का क्या रेट रहता है? 1000। कौन नीरज वाले? 1000 में। 1000 लेकिन हाँ मतलब कुछ लोग 1050 भी बताते हैं। मतलब आपके हिसाब से, आपके हिसाब से न्यू हाईलैंड आलू ऊपर में 1000 है? तब जमाना दो दिन में बदल गया, दो दिन में जमाना बदल गया। ये अभी देखो यहाँ पर 950 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुई है। क्या इसमें आप लोगों को इतना ज्यादा आलू जो है सस्ते में खरीदे गए हैं? ये सिर्फ आप लोगों की ना जागरूकता के मतलब सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग जागरूक नहीं हो, इस वजह से आप लोग इतना सस्ता आलू की बिक्री करे दे रहे हो। इतना सस्ता कहीं नहीं हो गया जितना सस्ता दे दे रहे हो। क्यों दे रहे हो आप लोग? मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में इतना भी आलू का रेट नहीं गिर जाएगा जितना कि आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, हर चीज़ को सोचना और समझना चाहिए, उसके बाद अपने आलू की बिक्री करना चाहिए। आप लोगों को जानकारी नहीं है, इस वजह से आप लोगों का आलू जो है औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। आप लोगों को चाहिए कि आप बाहर की मंडियों एवं बाहर के कोल्ड स्टोरों में आलू का अपडेट ले लें कि अभी जो है आलू का क्या रेट चल रहा है, उसके बाद ही अपने आलू की बिक्री करें। क्योंकि इस समय आलू का भाव जैसे ही थोड़ा बहुत डाउन हुआ उसके बाद में इस समय आप किसान भाइयों को बताया जाता है कि आलू अब कभी नहीं उठेगा और आप ख्वाब भूल जाइएगा। आप लोगों को कंटिन्यू ताने मारे जाएंगे कि मैं तो कहता रहा था कि आप बिक्री कर लीजिएगा, अब हो गया ना नुकसान। देखिए ये जो है आलू है और आलू के भाव और भविष्य के बारे में आज तक किसी ने नहीं जान पाया है। लेकिन आप सभी किसान भाइयों को चाहिए कि आप बाहर की जो मंडियां हैं जैसे कि कानपुर मंडी, कानपुर मंडी से भी अपडेट लेकर कि आप अपने आलू की बिक्री कर सकते हो। और अभी इस समय जो है इतना ज़्यादा डाउनिंग में लोगों को आलू का बिक्री करने के लिए बोला जा रहा है, आप लोग इतने डाउन में नहीं करिएगा क्योंकि बाज़ार आज भी इतने डाउन नहीं है जितने की दिखाए जा रहे हैं। बाज़ार आज भी अच्छे आलू के भाव अच्छे मिल रहे हैं और निबल जो दागी सड़े गले हैं उनका हालात कुछ और है। जैसा कि अभी आप लोगों को हम दागी सड़े गले आलू दिखा रहे हैं, इस तरीके के आप लोगों को चाहिए कि अगर आपका भी आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है तो आप लोग भी अपने स्टोर में जाकर के देख सकते हैं कि कहीं हमारा आलू तो ख़राब नहीं हो रहा है। आपको भी आलू की एक बार जो है रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हमारा आलू कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है, ताकि आपको नुकसान ना हो। आप लोग भी अपना आलू चेक करिएगा। बाद बाकी मेरा उम्मीद ये है कि अभी जो आलू के भाव चल रहे हैं आने वाले समय में आलू के भाव में एक बार फिर सुधार देखने को मिल सकता है। जब आलू की बीजा की बिक्री होगी और आलू की जब दो रास्ता बन जाएंगी तब हो सकता है कि आलू के भाव में दोबारा से सुधार देखने को मिले।